हाँ जी जनाब, ये चेक करो यार, मुन्ना भाई वाली बाइक मिल गई हमें यूके में ब्रेडफोर्ड में। चेक करो यार, माशाल्लाह कितना मजा आ रहा है यार इस तरह की बाइक मेरे पास। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है जी। कैसा लगा टेस्ट? बहुत अच्छा। हमारे प्याज भैया जी माशाल्लाह सर, काफी देर तो लोग सोच रहे थे ईस्टर्न डाइनर कितने आया अली भाई। मैं कह जिस तरह तेरी सेहत ना मुंडे, तू खाना भी कौन सी खाना है? आप मुझे सच सच बताया, मजा आया खाने का? मुझे बहुत मजा आया, मेरा खुदा जानता है। मैं आगे पीछे नॉर्मली दो तीन नान खाता हूँ, आज आपका भाई चार नान खा गए यहाँ पे। नहीं ये नहीं, सच्चे यार। कोई विकी शाह से मैसेज दियोगे? विकी शाह के लिए दुआ गो है। दुआ ठीक है। हाँ जी, और हमारे बिलाल भाई के लिए? देखिए जी, बिलाल भाई ये दोनों भाई हैं हमारे, अल्लाह इनपे अपना खुसूसी फजल करे और इंशाल्लाह अनकरीब हम सब इकट्ठे खाना इधर खाना खाएंगे इकट्ठे इंशाल्लाह। बिलाल भाई भी और विकी भाई भी हम इकट्ठे खाना खाएंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो भाई आज बहुत ही जबरदस्त किस्म का व्लॉग बनने वाला हमारे। आज आपका भाई जा रहा है जी रोड ट्रिप पे। तो रोड ट्रिप का मतलब हर किसी ये नहीं कि हम एक ही डेस्टिनेशन में जाएंगे। आज हमारी डेस्टिनेशन है जी बर्मिंघम, आज है जी कोवेंट्री, आज है जी नॉटिंघम, यानी कि तीन चार शहरों से गुजर के आपके भाई ने जाना है। हाँ, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वो कोवेंट्री है। तो कोवेंट्री में कौन है आप जल्दी से आप मुझे बताएं, और दोबारा आपके पास आता हूँ। ज़रा जल्दी से सोचिए कोवेंट्री में कहाँ किसके पास जा रहा हूँ, तो आते हैं दोबारा आपके पास। ये देखें जी, ड्रिंक शिंक हमने पकड़ लिया। आपको पता है जब हमने कहीं ट्रैवल करना हो तो फिर ड्रिंक कहाँ से पकड़ते हैं? अब्दुल्ला फूड स्टोर से। वो गाड़ी हमारी खड़ी सामने, तो वही बस निकलें और फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारी कहाँ पे है पहले आपको वहाँ लेके चलते हैं। मौसम बहुत अच्छा आज का माशाल्लाह, देख रहे हैं आप। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ जी जनाब, ये चेक करो यार, मुन्ना भाई वाली बाइक मिल गई हमें यूके में ब्रेडफोर्ड में। चेक करो यार माशाल्लाह कितना मजा आ रहा है यार इस तरह की बाइक मेरे पास। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है जी, जबरदस्त। अभी हम पहुंच चुके हैं जी कोवेंट्री में, और देखें बारिश का मामला चेक करें यार। ओए होए 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 होए, तो भाई आपका आ चुका है जी कोवेंट्री। कहाँ आया अभी आपको दिखाता हूँ, फैमिली वगैरह सब ये अंदर जा चुकी है। तो ये देखें मामला था, बारिश का मामला चेक करें यार। ओए होए, लग रहा है जैसे आज ही बारिश होनी है सारी। गाड़ी पार्क कर दी मैंने, बेसिकली बदली है क्योंकि रस्ते में भी बारिश हुई थी और कहीं कहीं बहुत सख्त धूप थी, तो कहीं कहीं देखें मामले किस तरह के हैं। तो भाई कहाँ आए हैं अभी आपको दिखाते हैं, बल्कि मलवाते हैं आपको कि हम कहाँ आए हैं। ओले पहाड़े भाई देखें, ओले स्टार्ट हो चुके हैं। तो कहाँ आए हो, किससे मिलवाना आपको अभी आपको पता चल जाएगा कंट्री में भाई कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे मैंने आना था। तो आ चुका हूँ भाई आपका भाई, और अभी बस बारिश रुके तो मैं अंदर जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि मैं कहाँ आया हूँ। क्या कहूँगा, चेक करें अपनी गाड़ी के ऊपर, चेक कराते हैं आपको। ओले पड़ रहे हैं जी, चेक कर रहे हैं अपनी गाड़ी के ऊपर फुल ओले। ओहो, ये अजरबैजान कितना है आप, बस देख लें आपके बताओ तो हम आए ना। ये किस माशाल्लाह मोइस भी आया हुआ जी यहाँ पे। हसन भाई कहाँ पे हम आए हैं वैसे, थोड़ा बताएंगे लोगों को कि लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि हम कहाँ हैं। मैंने अभी तक एक सरप्राइज रखा हुआ है। नहीं फिर आप सरप्राइज है, फिर आप ही इसको रिवील करें। अच्छा।
आप देख रहे हैं जी रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है आपको जी माशाल्लाह। अभी आपको बताऊँगा मैं आया किधर, मगर आपको भी सिस्टम चेक करवाते हैं कि भाई करीज वगैरह सब चीज़ इनसे मिल रही है। देख रहे हैं आप फुल देसी माहौल है, उधर चेक करें फ्रेश किस्म की चीज़ें लग रही हैं, अभी आपको अंदर जाकर ही खाते हैं। ये चेक करें आप, पूरा सिस्टम लगाया हुआ भैया ने। पिज़्ज़ा रेडी कर रहे हैं यहाँ पे, अभी आपको दिखाते हैं पीछे क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, चेक करेंगे माशाल्लाह ज़बरदस्त। इधर भी दिखाते हैं आपको, ये तंदूर लगा हुआ है जो बेहतरीन किस्म का, ये देखें लग रहे हैं जी टिक्के विद नान ज़बरदस्त। डोनर चिकन डोनर भी लगा हुआ है, मीट डोनर भी लगा हुआ है यहाँ पे। अभी आप सोच रहे हो कि भाई मैं हूँ किधर, अभी आपको मिलवाते हैं कि मैं हूँ किधर भाई। और ये है जी जहाँ पे फयाज़ होता है, यानी कि जो कि आप मेरे ब्लॉग में ऑलरेडी देख सकते हैं, छोटा भाई तो पाकिस्तान से अभी आया है जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी रेस्टोरेंट में एज ए शेफ़ हाई क्या कहते हैं जी, वो बेस्ट किस्म का शेफ़ यहाँ पे काम कर रहा है वो। उसने हमें कहा था कि अली भाई आपने विद फैमिली यहाँ पे मेरे पास लाजमी आना है, मैं जब से यूके में फ़र्स्ट टाइम कंट्री आया हूँ सिर्फ प्याज के लिए। तो मैंने कहा खुद भी खाना छाना खाते हैं, आपको भी बताते हैं अभी टेस्ट है कैसा, फिर आपको बताऊँगा रिकमेंड करूँगा भाई आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पहले खाना खाऊँगा फिर बताऊँगा। सिर्फ प्याज के लिए तो आए हैं, बहुत प्याज के लिए तो हम आए हैं, मगर आपने जब आना मैं अभी आपको बताऊँगा कि कैसा खाना इनका। तो यह है जी ईस्टर्न डाइनर, और खाने खाने का हमने ऑर्डर शॉर्डर कर दिया हुआ है। देखते हैं इनके पास, ये देखें पूरा सेटअप है यार, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है, समोसे पकोड़े और उसके अलावा कबाब शबाब भी हैं, दही बल्ले भी हैं, देख रहे हैं आप चिकन शीश यानी कि चिकन शीश कबाब हैं जी, और देसी चाय भी, कड़क चाय भी, पिंक टी भी है, जलेबियाँ भी हैं सारी इनके पास, सिस्टम पूरा रखा हुआ है। तो बिल्कुल मेन रोड बिजी रोड, मुझे लगा जैसे मैं मैनचेस्टर आ गया हूँ यार। अच्छा बिल्कुल मैनचेस्टर की तरह बिजी बिजी रोड है ये, देख रहे हैं आप। सर ये नहीं है कि प्याज इधर शेफ़ है, हम भी स्पेशल किस्म के, हमारे साथ बिग ब्रदर हमारे बैठे में भी बेहतरीन किस्म के शेफ़ हैं जी, ये देखिए माशाल्लाह। तो असी खावांगे ना नाल, असी आज समझ लो कि प्याज का भी इम्तिहान है कि पता चल जाएगा प्याज से बाकी खाने चंगे बनाए रहे नहीं। फिर लाहौर तो हम खाने खाते ना प्याज के हाथों के, यूके में पता चलेगा भी यहाँ के आके टेस्ट चेंज तो नहीं हुआ उसका, तो देखते हैं अभी। हसन भाई कैसा लगा टेस्ट? बहुत अच्छा जी, हमारे प्याज भैया जी माशाल्लाह का भजन सर कैसे हैं। काफ़ी देर तो लोग सोच रहे थे ना ईस्टर्न डाइनर कितने आया अली भाई, ये ऐसे आए जैसे प्याज भी देखो माशाल्लाह। प्याज भी थैंक यू सो मच जी, ये प्याज भी क्या हाथों का देखें जी आज, प्याज भी की है देखिए जी, ये लैम कड़ी है, चिकन कड़ी है, ये क्या था पहली पहली शीश कबाब आ गए, ठीक है आगे पाए नहीं ठीक होगा जी। कोई फास्ट फूड अगर या पिज़्ज़ा शिज़ा खाना तो वो भी बताएं, भजन गुंजाइश ही नहीं छी रात रात है। तो प्याज भी अभी जरा स्टार्ट कर दो भी जी 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 जुदाला करो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम खाएंगे, हम दोनों इकट्ठे खाएंगे इंशाल्लाह। आज हम स्पेशल क्वान्टी में सिर्फ प्याज भी से मिलने आए हैं, तो प्याज भाई हो जाओ कुछ ये करो, तो बिस्मिल्लाह करते हैं टेस्ट चेक करते हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने आ चुका है, ये देखें पहली बारी इसका टेस्ट चेक करते हैं, मज़ेदार चिकन, पहली पहली चिकन तो हो गया है, प्याज भी है कि खा लगे होंगे ये पाए यार, ये लैम पाए खा दे उधर मैंने अपने सारा प्याज भी खा लिया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है प्याज भाई सर,
लाहौटी याद आ गई, नाले ठोकर न्याज बेग की याद आ गई। हाँ वो ठोकर न्याज बेग को जब हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे ना, तो हमने रात के टाइम पाए ही मंगवा लिए उसे, साथ ही लस्सी के गिलास। वाह याद है कि नहीं याद? कमाल। तो साढ़े कौन बैठा से उसे? विक्की शाह। विक्की शाह कह रहा था आपको मेरा भी वीज़ा लगवा। विक्की शाह थी ना साढ़ा डोगर थी, तो बहुत मज़ा आया। विक्की भाई मिस कर रहे हैं आपको, बिलाल भाई आपको मिस कर रहे हैं। ज़ाहिर है जी हमारे दोस्त है, बाप नहीं है तो मिस तो करना ही है ना। बाकी बड़ा मजेदार यार, बंद कर दो कैमरा, मैं कहता हूँ ठंडा हो जाएगा फिर आप पहले खाएं, थोड़ा टाइम दें, खाना शाना खा रहा है, प्याज कल्ला ही खा जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आना ऐसा। देखो ना सब भाई भी खा रहे हैं, हसन भाई भी खा रहे हैं, खाने का टाइम तो लिफ्ट नहीं करा रहे, फिर हम भी जनाब कैमरा बंद करके खुद ही खाते हैं फिर। प्याज भाई सब पसीने तो आइडिया हो रहा है तुम? हाँ जी माशाल्लाह, कि मैं इतना मजे ना खाता कि खा के पसीना आ गया। अभी आप सुबह मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप डाइट, डाइट चल रही है मेरी, स्टिल डाइट चल रही है, मगर जब प्याज के पास बंदा आया तो फिर डाइट वाला कोई मामला नहीं है ऐसा कुछ। चले सर आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, बहुत मज़ा आया। पाए थे चिकन था, पैरी पैरी था, लैम कढ़ाई थी, मुतंजर नहीं आया भजन, तो अभी इसको तो मैंने चेक भी नहीं किया, अभी खा के चेक करते हैं। शीश कबाब थे भजन, तुम कैसा लगा टेस्ट? बहुत अच्छा। मुंडा शेफ ठीक है? यही नहीं अभी और सुनिए, पास करता तुसी ये माशाल्लाह, ये भी कोर्स ये पाकिस्तान के हेड शेफ रह चुके हैं कराची में, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चेन के साथ, और अवारी चेन, अच्छा शर्टन बस सारियाँ मेन जेडे मेन ब्रांड है ना सबके साथ रह चुके हैं, तो 15 साल से नोटिंगम में माशाल्लाह ये सर्विसेज दे रहे हैं, तभी साढ़ा शहजादा भी आ गया। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई आप पूरी तरह, अच्छा ये तो चीज़ें थी अभी लाजमी बात है, मैंने लंच किया यहाँ पे, यहाँ पे भाई के हाथों का अगर नाश्ता आपने नहीं किया तो फिर कुछ ना किया। प्याज के साथ नाश्ते का मामला, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक नाश्ता भी इनका होता है। प्याज क्या क्या चीज़ें उसमें प्रोवाइड करते हैं? इसमें सर अपना चने होती हैं, चने हमारे लोरी स्टाइल, लोरी स्टाइल चने, वो भी लोरी स्टाइल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, और पाई होती हैं और हलवा पूरी वगैरह, ठीक है ये चीज़ें होती हैं, बाकी और समोसा कतलम्बा जलेबी, ये यानी कि ये तो नाश्ते में चीज़ें आती हैं, लंच में भी इतना कुछ इनके पास है, यानी बहुत कुछ है यार। देसी मोल का मज़ा लेना है तो आप ईस्टर्न डाइनर पे आ जाइएगा कंट्री में, प्याज से ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। मेरा आप इसको कहिएगा जरा स्पेशल आपके लिए जी, वो डिस्काउंट स्पेशल सिस्टम भी डिस्काउंट वाला भी हो जाएगा, तो भी खाना खाने के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। प्याज भाई के साथ थोड़ी कपिश में माने थे यार, रहे आप साथ। हम खड़े हुए हैं ईस्टर्न डाइनर के बाहर, और ईस्टर्न डाइनर भाई हमारा प्याज भाई शहजादा यहाँ पे मेन हेड शेफ है। ये मज़े मज़े के खाने खाने ना, आपको इधर आना पड़ेगा आपको कंट्री में। ज़ाहिर है जी अगर पाकिस्तान का फ्लेवर लेना है तो वो इधर मेरे पास आना पड़ेगा, यानी उसके अलावा कोई हल नहीं है? नहीं उसके अलावा मैं जब से आया हूँ हाँ, सिर्फ एक खाना आपके घर देसी का है जो पाकिस्तान वाला था, ठीक है, उसके अलावा यहाँ मिलता है, उसके अलावा इधर मेरे समझाइए आपको बात की, यानी कि ये लास्ट टाइम लास्ट वीक मेरे घर था ब्रेडफोर्ड में, कह रहा है लास्ट हमने देसी खाना खाया वहाँ पे, उसके अलावा अगर मिलता है देसी खाना तो फिर सिर्फ ईस्टर्न डाइनर इधर ही मिलता है, तो आपको आना पड़ेगा अच्छे अच्छे खाने खाने के लिए फ़ियाज़ के पास कंट्री में। तो ये एड्रेस आप देख लें, टेलीफोन नंबर भी आप देख लें, फ़ियाज़ भाई ये फोजल रोड है, मज़ा बहुत आया खाने का जी। जज़ाकअल्लाह सर, ये आपकी शफकत है कि आप इतनी दूर से मेरे पास आए। प्राय छोटा यार, छोटा प्राय छोटा भाई है प्याज, इसके पास नहीं आना तो फिर कहाँ जाना था जी? बिल्कुल ये तो मुझे पता था इसके हाथ से भी आपको बुला, मुझे पता था इसके हाथ में कितना माशाल्लाह टेस्ट है, मगर मैंने कहा यार टेस्ट कितने चेंज तो नहीं हो गया, लाहौर वाला टेस्ट खत्म तो नहीं हो गया, यूके आके कितने मुंडा यूके का बलैती तो नहीं हो गया? नहीं नहीं देसी देसी मोल है, देसी खाना, क्योंकि देखो मज़ा तो यही है कि यूके में रह के भी पता देसी मोल में रखे। बिल्कुल बिल्कुल, असल भी आप इधर आए ना, असल भी ये शहजादा मैं साथ लेके आया हूँ, ये दोस्त है मेरा बड़ा ज़बरदस्त नोटिंगम में होता है, तो मैं क्या जिस तरह तेरी सेहत ना मुंडे तो खाना भी तो उन खाना है, ऐसे तो नहीं होता है। आप मुझे सच सच बताए मज़ा आया खाने का? मुझे बहुत मज़ा आया, मेरा खुदा जानता है मैं आगे पीछे नॉर्मली 2-3 नान खाता हूँ, आज आपका भाई 4 नान खा गए यहाँ पे। नहीं ये नहीं नहीं साचे, अच्छा साचे हकीकत 4 नान खा लिए, पाए बहुत मज़े के थे, चिकन लैम हांडी। असद भाई सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? ये चिकन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चिकन हांडी आए मुंडे ने, चिकन हांडी बड़ी चंगी लगी, चिकन बाटी। नोटिंगम में होता है असद, नोटिंगम से ये आया, ब्रेडफोर्ड से मैं आया हूँ, तो भाई आप लोग भी हैं जहाँ से आपका दिल करता है कंट्री में। टाइमिंग इनकी क्या है? टाइमिंग सबसे ज़्यादा हमारी है यहाँ पे, इस पूरे रोड पे सबसे ज़्यादा हम सुबह 9 बजे खोलते हैं, ठीक है, और ये हमारा रात को 2 बजे तक, रात 2 बजे तक। एड्रेस थोड़ा बता दें कहाँ पे है ये? सर फौजल रोड है, फौजल रोड, हाँ जी ठीक है, कंट्री है, सिटी सेंटर से तकरीबन कोई 10 मिनट की मुसाफत पे है, और ये सारा फौजल रोड है।
यार कोई विकी शाह से मैसेज दियोगे? विकी शाह के लिए दुआ गो है, दुआ ठीक है। हाँ जी, और हमारे बिलाल भाई के लिए देखे जी, बिलाल भाई ये दोनों भाई हैं हमारे, अल्लाह इनके अपना खुसूसी फजल करे और इंशाल्लाह करीब हम सब इकट्ठे खाना इधर खाना खाएंगे इकट्ठे इंशाल्लाह। बिलाल भाई भी और विकी भाई भी हम इकट्ठे खाना खाएंगे यहाँ पे। फयाज भाई ने भी दुआ कर दी, मैंने भी दुआ कर दी, इंशाल्लाह आप लोग भी हमारे साथ होंगे जी। जवाब थोड़ा सा टाइम दे, फयाज के साथ थोड़ी गपशप लगाते हैं। ले जनाब वक्त आ गया जाने का, दिल तो नहीं कर रहा था फयाज मगर जाना पैना है क्योंकि मेरी पहली डेस्टिनेशन थी तुम्हारी, अब दूसरी डेस्टिनेशन बर्मिंघम की गौहर भाई की तरफ। अभी रात का खाना हमारा उधर है, दोपहर का आपकी तरफ था, रात का खाना उधर है एक, और उसके बाद हमने जाना है टी पार्टी के ऊपर, वो थर्ड घर है हमारा, वो भी बर्मिंघम में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भजन बहुत मजा आया प्यार से, बहुत मजा आया, चली भाई शुक्रिया यार। तो बड़े भाई हैं और मैं जब भी आपको माशाल्लाह याद किया आप पहुंचे हैं, अल्लाह पाक आपको जी करे जी करे। और मैं यकीन करो इसको छोड़ के जा रहा हूं, मुझे लगता है मैं आमिर काके नु छोड़ के चलना, मेरे लिए ऐसे ही जैसे हमारा आमिर जा रहे हैं, मैं अपने घर वैसे जा रहा हूं, छोड़ हम कैसे सकते हैं वही, यानी कि बर्मिंघम में छोड़, यानी कि कमेंट्री में छोड़ के जा रहा हूं फिलहाल। तो यार बस फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी।